बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं मुबशर सदीक का दिया गया रेसिपी बीप रोश दम पोख बनाने जा रहा था, लेकिन कुछ मेरी गलती की वजह से ये मेरे से ख़राब हो गया, जल गया। तो इस वीडियो को ट्राई ना करें और जस्ट इससे सीखे कि ये गलती आप ना करें। और इसमें मुबशर भाई की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मेरे से आग ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से ये सब हो गया। और बाकी वीडियो को आप इन्जॉय करें, देखें। जो गलती मेरे से हुई वो ये हुई कि मैंने मुबशर भाई ने 2 घंटे का टाइम मुझे बताया था, वीडियो में बताया था, और स्लो आग बताया था, और मैंने तकरीबन भी 2 घंटे के लिए मैं रखने का सोचा था, लेकिन मैंने आग जो है वो कोयलों का आग था, और जो है वो लकियों का आग मैंने बुझा रखा हुआ था, और उसका गैस का था, तो स्लो आग वो बता रहा था, और मैंने आग तेज़ किया हुआ था, तो इस वजह से मेरा दम बहुत ख़राब हो गया। तो आपने ये करना है कि आग आपने बिल्कुल स्लो करना है। आप अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह दम बहुत हमने बाहर कोल दिया भी और देख लिया, तो वो आधे से ज़्यादा वो जल चुका था। तो मतलब तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपने दम पर उसको, मतलब स्लो आग पर आपने उसको रखना है, और आपने ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी, और जो गलती मेरे से हुई, ठीक है। और बाकी गलती तो मुझसे हो गई, और वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपने स्लो आग पर इसको रखना है, ठीक है। मुझे अपने दुआओं में याद ना के रखे, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। आप देख सकते हैं कि हमारा दम पोह पूरा का पूरा जल चुका है।